एतावतेव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्र कही वाढ़मित्यनुमान्येत गौरवेण गुरोर्वचः। बेटा, पुत्रों के द्वारा अपने पिता के प्रति, माता पिता के प्रति यही सबसे बड़ी सेवा है। ये बस इतनी ही सेवा है कि पिताजी अगर कुछ कहें, गुरु कुछ कहे, आज्ञा दे, तो कह दे वाढ़म, ठीक, जो आज्ञा, जो भी आज्ञा दे रहा है तो उसको ये कह दे शुद्ध भाव से, ठीक है, मैं करूंगा। इस तरह से कह दिया और उनके बात को मान लिया, तो यही बस इतनी ही सेवा है। इसका अर्थ ही नहीं केवल मुख से कह दिया ठीक है और न करे, मतलब वाढ़म का अर्थ है कि ठीक है, ठीक, जो कहते हैं वही करूंगा। ये तावती है वह शुश्रूषा, बस इतनी ही सेवा, आज्ञा पालन कर देना, यही सबसे बड़ी सेवा है। वाढ़म, ठीक, ऐसा नहीं कह सकते अब तो आप गुरु हैं कह दिए तो हम क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, कुछ मेरी भी सामर्थ्य देख कर बोलिए, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। जो आज्ञा दी जाए कर दे। महाराज जजाति ने अपने छोटे पुत्र से कहा, पुरुष से, कि बेटा तुम बड़े भाइयों की तरह नान मत करना, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जवानी लेकर के मैं संसार का सुख भोगूं। तुम्हारे नाना ने मुझे असमय में बूढ़ा बना दिया, शुक्राचार्य ने, तो उन्होंने जैसा कहा है तुम अपनी जवानी दे दो, मैं जवान होकर के संसार का सुख भोगूं और मेरी बुढ़ापा ले लो कुछ काल के लिए। ये बात सुनकर के तुरंत ही पुरु महाराज ने कहा कि पिताजी मुझे इस बात से संकोच हो रहा है कि आपको कहना पड़ा, बिना कहे ही आपको दे देना चाहिए था। तो उस समय कहते हैं कि चार प्रकार के पुत्र होते हैं, तीन प्रकार के पुत्र होते हैं। वे कहते हैं एक असली उत्तम कोटि का पुत्र वो है जो पिता के संकल्प को जान करके उसे पूरा कर दे, पिता को जबान न चलानी पड़े, कुछ कहना न पड़े, वो जान जाए कि पिताजी ये चाहते हैं, बस पूरा कर दे। तो उत्तमस चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारित्व मध्यमः, और पिता के कहने पर आज्ञा पालन करे, श्रद्धा से ही करे लेकिन कहने पर करे, तो सेकंड दर्जा का पुत्र है, वो फर्स्ट क्लास का नहीं। और थर्ड क्लास का बेटा कौन है जो अश्रद्धया कुर्यात्, पिता की आज्ञा का पालन कर देता है लेकिन भार मान करके अश्रद्धा से करता है, ये थर्ड क्लास का बेटा है। और फोर्थ क्लास का बेटा है ही नहीं जो पिता की आज्ञा का पालन बिल्कुल न करे, अश्रद्धा से भी, जैसे तैसे भी, किसी भी तरह से न करे, तो उसे पुत्र नहीं कहा गया है, उसे पिता का मूत्र कहा गया है, वो पुत्र पुत्र नहीं है वास्तव में, वो मल मूत्र जैसा है, जैसे पिता के शरीर से मल मूत्र निकलते हैं वैसे वो भी एक दिन निकल गया, वो बेटा नहीं। ये पुरु महाराज कह रहे और कहे कि मुझे बहुत इस बात से शर्म आ रही कि आपको कहना पड़ा, ये देह तो आपका दिया हुआ है, तो इसकी जवानी आप ले लीजिए, जितना दिन इच्छा कर लीजिए, मैं आपके बुढ़ापा को ले रहा हूं। इतना कह करके पिता के बुढ़ापा को ले लिया, और कितने वर्षों तक, 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक जजाति महाराज युवक रहे और सबसे छोटा बेटा वो वृद्ध बन करके रहा। इस तरह से पिता का आदर करना चाहिए। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति ललायत है कि मैं ज्यादा भोग भोगूं, मैं बेटर भोग भोगूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, क्या भोग करके करेंगे, इसमें कोई सुख है नहीं। पुरु महाराज ने अपने पिता के बुढ़ापा को ले लिया और जवानी दे दिया, तो पुरु महाराज का जश फैला हुआ है संपूर्ण वैदिक ग्रंथों। यहां तक कि ऐसे बेटा देखे गए जो
कठिन से कठिन आज्ञा का पालन कर दिए। जैसे भगवान राम पिता ने कह दिए, कहे तो नहीं लेकिन कैकई को वचन दिए थे कि वर दूंगा, तो उसने मांगा राम को 14 वर्ष वन दे दो। तो भगवान अपनी इच्छा से पिता के धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या का राज छोड़ दिए और वन में चले गए। जमीन पर सोते थे, वन में फलने वाले कंदमूल फल खाते थे, नदियों का जल पीते थे, झरनों का। अयोध्या 14 साल नहीं आए, किसी गांव में नहीं गए। ये है सतपुत्र का काम, पिता के धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम छोड़ दिए। और परशुराम जी तो पिता की बात मानकर अपने मां का भी वध कर दिए। यद्यपि ये सब बातें सीखने लायक नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इतिहास बताता है कि पिता ने कह दिया कि इस दुष्टा को मारो। पहले उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को आज्ञा दिया, अन्य पुत्रों को आज्ञा दिया कि मारो इसको, मां को। तो बेटा कैसे मार सकता है अपने मां को? सब लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। तब जमदग्नि जी ने अपने छोटे बेटे को कहा, परशुराम को, तुम इसको मारो, इसका वध करो, और जो हमारी आज्ञा नहीं माने हैं इन सब भाइयों को भी मारो। और वो उठाए कुल्हाड़ी और मां का भी मस्तक काट दिए, भाइयों का भी काट दिए। और तब जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए, कहे कि बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुम मुझसे वर मांगो, जो भी चाहिए वर मांगो। तो परशुराम जी वास्तव में अपने पिता के प्रभाव को जान करके ही मां का वध किए थे और भाई का। तो उन्होंने वर मांगा कि मेरी मां जीवित हो जाए, ये भाई भी जीवित हो जाए, मैं यही चाहता हूं, और इनके गले का कटा हुआ निशान बिल्कुल न रहे, और इनको जीवन भर ये याद नहीं आवे कि मैंने इनको मारा था। तो जमदग्नि जी ने कहा ठीक है ठीक है। तो मां भी जी गई और भाई भी जी गए सब भगवान के। लेकिन यहां यह बात कही जा रही है कि पिता की आज्ञा का पालन परशुराम जी ने किया। इधर विवेक रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पिताजी जो कुछ भी कह दे तो बस पाल दे, कुछ सेंस होना चाहिए। नहीं तो अगर मान लो पिता कह दे इसको मारो तो जिलाने की शक्ति तो पिता में है नहीं। कुछ आज्ञा का पालन नहीं किया जा सकता। अगर पिताजी कहे कि एक बोतल खरीद कर लाओ, शराब लाओ, तो पुत्र अगर न खरीदे तो कोई पाप नहीं होगा, है ना? उसके बदले कोई भगवान का प्रसाद ले जाकर के दे। इस तरह से पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि पुत्रों के द्वारा पिता की, गुरु की यही सबसे बड़ी सेवा है कि वो कुछ कहे तो कहे कि ठीक। इस पर एक प्रश्न उठाया गया, मान लीजिए वो असमर्थ हो पूरा करने में, बेचारा कमजोर है नहीं पूरा कर पाया, तब तो ब्रह्मा जी इसी बात को कह रहे ठीक है, आखिर उसने स्वीकार किया ना बेचारे की शक्ति नहीं थी। एक बार शुद्ध हृदय से कहा ना वाढ़म, ठीक है आप जैसी आज्ञा करें, और आज्ञा पालन की शक्ति नहीं है। जो शक्ति नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन जब शुद्ध हृदय से कह दिया कि मैं करूंगा और अपना प्रयास भी किया, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति है उतना पिता की या गुरु की आज्ञा के पालन का प्रयास किया, तो ठीक है उसकी सेवा कंप्लीट मान ली जाएगी। और तुमने तो करके दिखा दिया।